सारे गद्दारों को, जय चंदों को जनता वहाँ की ठान ली है मिटाने के लिए। अच्छा मोदी जी एक चीज़ बताइए, अपने पास अब टिक्कड़ और चोखी चोखा बाटी के अलावा, दाल बाटी के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा है ना? गाय गोबर हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, CANRC हो गई, कोरोना देश में 43 लाख के पार हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, बेरोजगारी चरम पे, आत्मनिर्भर की स्थिति में, अब तो भुखमरी की स्थिति में 23.9 माइनस GDP हो गई अपनी, है ना मोदी जी? अच्छा मोदी जी अब चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? करना रणाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर। अगर इन्हां दी गल कीती जावे तां अज तक इन्हां दे लिते गए फैसलां दी जिन्नी तारीफ कीती जा सके उन्नी ही घट है। फिर गल चाहे डीमोनेटाइजेशन दी होवे, GST दी होवे, या किसान विरोधी काले कानूनां दी, हर चीज दे विच इन्हां ने बहुत फायदा सोचा है। भारत दी आवाम या पंजाब दी आवाम दा नहीं, अपना अते भारत के पूंजीपतियां दा, वड्डे बिजनेस घराणियां दा। कंगना रनौत नूं जेकर शिवसेना कोई धमकी देंदी है तां उस नूं तां इह सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकदे ने, पर जेकर किसे दी धी दी पत्त लुट्टी जांदी है, उस नूं सरे बाजार नीलाम कीता जांदा है, तां उस परिवार की इह रखवाली नहीं करदे, उहनां नूं इह गनमैन मुहैया नहीं करवा सकदे, उहनां दे पूरे पिंड नूं ही छावणी विच तब्दील करवा दिंदे ने, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸੀਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਤਿਵਾਰੀ। ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੈਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੈਸੇ ਆਪ ਸਭ? ਜੈਨ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਕੈਸੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, आज एक अखबार में पढ़ रहा था, मोदी जी आप ग्वालियर आएंगे टिक्कड़ खाने, है ना? अखबार वाले ने लिखा है हरी भूमि में आपका स्टेटमेंट, आपने कहा है कि ग्वालियर आऊँगा तो टिक्कड़ खाने को मिलेगा, है ना मोदी जी? क्या बात है, क्योंकि ग्वालियर क्षेत्र में उपचुनाव है ना मोदी जी। सारे गद्दारों को, जय चंदों को जनता वहाँ की ठान ली है मिटाने के लिए। अच्छा मोदी जी एक चीज़ बताइए, अपने पास अब टिक्कड़ और चोखी चोखा बाटी के अलावा, दाल बाटी के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा है ना? गाय गोबर हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, CANRC हो गई, कोरोना देश में 43 लाख के पार हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, बेरोजगारी चरम पे, आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में, अब तो भुखमरी की स्थिति में 23.9 माइनस GDP हो गई अपनी, है ना मोदी जी? अच्छा मोदी जी अब चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? करना रणाबाद। अच्छा मोदी जी एक बात बताइए, करना रणाबाद हमारे देश की एक अच्छी बेटी है, और बड़ा अच्छा किया आपने उसको सुरक्षा प्रदान कराया, भाई सुरक्षा प्रदान कराए। अच्छा उन्नाव की बेटी को सुरक्षा अपन ने क्यों नहीं दिया था? उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेगर जैसे भेड़िया से उस परिवार को भी अगर अपन ने बचाया होता अच्छा रहता, नहीं? चिन्मयानंद जैसे लोगों से जो बेटियां बेचारी शोषित पीड़ित हुई, उनको उनके परिवार को अपन सुरक्षा नहीं दे पाए। खैर, चूंकि करणा रणावत जी एक देश की योग्य अभिनेत्री हैं, और आपके विरोधियों को गालियां अच्छा दे लेती हैं बैठ के, बिहार चुनाव है, देश का वो अभिनेता जो नशा का आदि रहा हो, लड़कियां बदलने का शौकीन रहा हो,
उसके आत्महत्या पे बेचारी एक देश की ही बेटी को की बलि चढ़ाई जा रही, किस तरह से तीन तीन एजेंसियां उस पर बिल्कुल धावा बोल के, जब वो हत्या में नहीं जांच में फंसी, आत्महत्या में के जांच में नहीं फंसी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नहीं फंसी, तो ड्रग्स के मामले में उसको जेल भेज दिया गया। एक तरफ एक बेटी को सुरक्षा, दूसरी बेटी को जेल, दंगाइयों को बेल, देशभक्तों को जेल। बड़ा अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, है ना। अच्छा एक चीज़ समझ में नहीं आया हमारा, हमारे भारत की संस्कृति में मर्यादाओं का चयन बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं अपने सभी साथियों से विनती करूंगा कि ये वीडियो आज का हमारा एक उस पता नहीं किस पार्टी का प्रवक्ता है और एक कौन सा वो चैनल का पत्रकार है जो सबको चैलेंज करता है, उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू करना है उसको टेबल पीट पीट के, अनिल देशमुख का इंटरव्यू करना है, संजय राउत का इंटरव्यू करना है, वो कौन सा सुअर पत्रकार है, उसके लिए ज़रूर ये वीडियो मेरा आप लोग उस तक भेज दें। अगर वो अर्णव गोस्वामी अपने ओरिजिनल पिता की औलाद है, एक बार अनिल तिवारी का इंटरव्यू कर ले, और वो प्रवक्ता जो सोनिया गांधी जी को एंटोनो और जिंगपिंग बोलता है, उस प्रवक्ता को, जोकर प्रवक्ता किस पार्टी का है वो, उसके लिए एक संदेश है। मेरी बड़ी अंतिम इच्छा है एक बार अगर वो पात्रा मेरे साथ इंटरव्यू में डिबेट में बैठ जाए किसी चैनल में, अगर छठी का दूध याद ना दिला दूं, नानी याद ना दिला दूं, मेरा नाम भी अनिल तिवारी नहीं, और रोहित सरदाना जैसे बिकाऊ लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि भैया रोहित सरदाना जी टुकड़ों में पलो, लेकिन उनको जवाब देने के लिए हमें तो बैठाल दो, वो गलत फहमी में है। सोनिया जी देश की वो महिला हैं जिन्होंने अपने हिंदू धर्म या हिंदुस्तानी महिला होने का गौरव देश को दिखाया है, उन्होंने पति की शहादत के बाद जिस तरह से भारतीय संस्कृति को सम्मानित किया है, सम्मान से नवाजा है, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा है, उनने, और कांग्रेस के अंदर कोई ऐसी महिला आज तक नहीं, अभी तो हैं, जिनने अपना पति बदला हो या सरनेम उनको जिंगपिंग और एंटोनियो माइनो का बोलता है वो घटिया दो टके का प्रवक्ता। हाँ एक चीज़ ज़रूर हो सकता है, बेचारे को उसको अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, आत्रा पात्रा खात्रा कौन है, हो सकता है उनकी माँ बहनों ने अपने सरनेम बदले हों, दो चार जगह गई हों, और उसको वो गलतफहमी पैदा हो रही हो सोनिया जी को। डिबेट होने चाहिए, आलोचना होना चाहिए, पक्ष विपक्ष की आलोचना है, लेकिन मर्यादित होना चाहिए, भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ताओं का सम्मान करता हूँ, सुनता हूँ, चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी जब बोलते हों तब सुनता हूँ, चाहे वो शहनवाज जी बोलते हों, सुधांशु त्रिवेदी जी बोलते हों, अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, आलोचना कांग्रेस की करेंगे, सपा की करेंगे, बसपा की करेंगे, ये सारे लोग बीजेपी के करेंगे आलोचनाएं, एक मर्यादित होना चाहिए, लेकिन किसी के जाति अपमान या सरनेम पे अपमान करना कितनी बड़ी गाली है। शायद उस सुअर के बच्चे को वो आत्रा पात्रा खात्रा इल्ला पिल्ला सुअर कुत्ता कौन है मुझे नहीं मालूम, वो बैठ जाता है डिबेट में
और वो इस टाइप की भाषा, सोनिया जी उस आत्रा पात्रा खात्रा कौन है, इल्ला पिल्ला टिल्ला पता नहीं किस पार्टी का है, उसकी माँ की उम्र की है, आप सब जानते हैं। और धोखे से मैं तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तो से आग्रह करूँगा, और मैंने एक पत्र मेल भी किया है राहुल जी सोनिया जी को, कि कांग्रेस के तरफ से आज तक के डिबेट में उस खात्रा और गोबर गोडसे के चेले को, नाजायज पैदाइशी जो दूसरों का सरनेम तो बता रहा, एंटेनियो माइनो जिंगपिंग क्या क्या, अरे भैया चाइना राष्ट्रपति के साथ झूला तुम्हारे पिताजी झूले, आपके माताजी के हस्बैंड झूले, और दोषी सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी, क्या बात है, पाकिस्तान में बिरयानी तुम्हारे पिताजी खाएं, बिना बुलाए मेहमान जाके नवाज शरीफ की माता जी को साड़ी भेंट करके चरण वंदन करें, पाकिस्तान का चमचा कांग्रेस राहुल गांधी सोनिया गांधी, देश का लाल किला रेलवे ऑर्डिनेंस एयरपोर्ट सब बेच के बर्बाद करें, बेरोजगार करें, अर्थव्यवस्था ध्वस्त करें, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त करें, पूरे देश को कोरोना से महामारी से 43 लाख कोरोना से देश पीड़ित हो गया, दोषी सोनिया गांधी राहुल गांधी, क्या देश की परिस्थितियां आ गई हैं। सत्ता के लोगों से जब कोई सवाल पूछो तो पहले ये बताएं, अरे भैया मैं तो एक चीज़ और कहता हूँ, कांग्रेस बहुत बुरी पार्टी थी जिसने 70 सालों में विकसित भारत देश का ताकतवर भारत बना के रेलवे स्वास्थ्य शिक्षा और भ्रष्टाचारियों को भेजने के लिए जेल का भी निर्माण किया, जिसका आज आप उपयोग कर रहे हो सच बोलने वालों को जेल भेज के, तमाम विकसित भारत, इतनी सारी कंपनियां, इतना सारा रोजगार, आज ठेला वाले मर रहे, सब्जी वाले मर रहे, चाय वाला मर रहा, पकौड़े वाला मर रहा, छोटे छोटे ऑटो के ड्राइवर मर रहे हैं भूख से, बेरोजगार बैठे हैं, बस ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर मर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलें ठप पड़ी है, छोटी मोटी दुकानें सब ठप पड़ी हैं, लॉकडाउन में जो बीजेपी के दलाल थे, दुकानदार थे, उनने 25 रुपए की चीज़ 75 रुपए में बेची है, ये भी पता होना चाहिए, पूरे देश में यूरिया की तंगी है, सोयाबीन तिली उड़द किसानों का सड़ गया, ये सब मुद्दे इस बिकाऊ दलाल मीडिया को नहीं दिखता। अर्णव गोस्वामी अगर अपने बाप की औलाद हो तो उद्धव ठाकरे जी या अनिल देशमुख जी, संजय राउत जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पे भोगना तुम जैसे सुअर पिल्ले कुत्तों का काम है, भोगते रहो। आप मुझे चैलेंज कर लो, एक बार हमारा इंटरव्यू ले लो, विश्वास दिलाता हूँ अर्णव गोस्वामी अगर चैनल बंद करके नहीं भाग गए तुम, और जितने घंटे इंटरव्यू लेना होगा उतने घंटे ये अनिल तिवारी तुमको इंटरव्यू देगा सुअर के पिल्ले। आओ, स्वागत है आपको, हमें लगा लो फोन, हम अपना नंबर आपको ट्वीट कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जो भी ये गोबर भक्त देश को गुमराह करने वाले, देश को जिनके आका ने बर्बाद कर दिया, आज मैं पहली बार हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री को देख रहा हूँ, मोदी जी मैं आपका बहुत बड़ा दीवाना हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, देखिए ना आप पंजाब जाते हैं पंजाब से आपको प्यार हो जाता है, गुजरात में तो जन्म ही लिया, उत्तर प्रदेश आप जाते हो तो काशी नगरी में या उत्तर प्रदेश से आपको प्यार हो जाता है, झारखंड महाराष्ट्र जहाँ जाते हो वहाँ से, बिहार के आपको बिहार में चुनाव आ गए तो कोरोना फैल रहा था उसका याद नहीं था, लिट्टी बाटी चोखा दाल का, बिहार में कितने मजदूर तबाह हुए बाढ़ से, कितने बेचारे बेघर हो गए, बिहार के अंदर इतना अच्छा शिक्षित बिहार, जिस बिहार में दुनिया को ऐसे ऐसे चिंतक और समाजवाद विचारधारा के का नेतृत्व निकाल के दिया, जिस बिहार में बड़े बड़े अभिनेता नेता IAS IPS
तमाम सेना के बड़े बड़े अधिकारी दिए, वो बिहार आज किस जंगल राज की स्थिति में, उत्तर प्रदेश में क्या मचा है, मध्य प्रदेश में क्या मचा है, किसान बेहाल, बलात्कार, हत्या, उन्नाव की बेटी को या उसके परिवार को एक आरक्षक, उस प्रदेश के थाने का आरक्षक सुरक्षा के लिए नहीं मिल रहा, और मिल भी रहा है तो उसके सामने परिवार का परिवार एक्सीडेंट में निपट रहा है। क्या देश है। और आदरणीय कड़ा रणावत जी चुकी अनर्गल आरोप, अरे संजय रावत को इतनी फुर्सत है कि वो कर्णा रावत जी को धमकी देंगे, ये सब संस्कारिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहु बेटियों का सम्मान करते, अपमान तो वो एक ठो कौन आत्रा पात्रा खात्रा सुअर का पिल्ला जो देश की, एक हिंदुस्तान की उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा, उसके पूर्वजों ने देश को आज़ाद करा के हिंदुस्तान को ताकतवर देश बनाया है, सोनिया गांधी के पूर्वजों ने और सोनिया गांधी ने 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सोनिया गांधी या उनका पुत्र राहुल गांधी ने खाना पानी चाय नाश्ता सोते जागते नहाते बैठते हरदम गांव गरीब रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचा है, किसानों के बारे में सोचा है, रोजगार के बारे में सोचा है, नौजवानों के बारे में सोचा, उनको गाली देते, ये गाली है किसी को आप जिंगपिंग बोल रहे हैं, निश्चित तौर पे ये आपकी पार्टी का ही संस्कार होगा कि एक मंत्री एक महिला अपने सहेली के पति पे अतिक्रमण कर लेती है, सहेली को बेघर कर देती है, शायद आप भूल रहे हैं, दूसरों पे आप अनर्गल आरोप, दूसरों को मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो ये तीन उंगलियां खुद के तरफ इशारा करती हैं, तमाम गोबर भक्त बिलबिला रहे हैं, तिलतिला रहे, अरे अब पोल खुल चुका, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी, अजय सिंह जी अरुण यादव सुरेश पचौरी की जोड़ी भारी पड़ेगी, सारे जयचंद निपटेंगे, मध्य प्रदेश में अब आपको फिर से सत्ता पाने के लिए एक ही विकल्प है, तानाशाही गुंडागर्दी का और ईवीएम का खेल करके सत्ता बना लो, पब्लिक तो आपको ठेगा दे रही है, जिस तरह से दलितों पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से गरीबों की उपेक्षा हो रही, जिस तरह से आदमी भूख से मर रहा है, जिस तरह से लॉकडाउन में पैदल चल के मरा है, जिस तरह से अस्पतालों की व्यवस्था ध्वस्त है, जिस तरह से शिक्षा विभाग ध्वस्त हो गया, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी चरम पे है, शराब माफिया रेत माफिया का आतंक है, आप देखिए ना कितनी अच्छी बात है, एक वो व्यक्ति जो नशे का आदि था, लड़कियों का शौकीन था, लड़कियां बदलता था, उसके आत्महत्या में पूरा मीडिया लगी और एक निर्दोष लड़की को जेल भिजवा दिया, क्या बात है। और हमारे पन्ना जिले में धुआंधार मल्होत्रा कंपनी की अवैध रेत उत्खनन के खेल में एलएनटी मशीन के तार में टच हो जाने से करंट से एक मजदूर की मौत हो गई, उस पर ना मीडिया कोई बात कर रही और ना नेता बात कर रहे, ना सत्ता कर रहा, ना विपक्ष कर रहा, ना कोई आंदोलन हो रहा, ना सरकार के लोग काहे को करेंगे। देखिए ना, हमारे पबई के अंदर विधायक जी के गांव में पबई विधायक, पन्ना जिले के पबई विधानसभा के विधायक जी बीजेपी के हैं, उनके गांव में एक हरजन का हाथ पैर टूट गया, लोगों ने मार के हाथ पैर तोड़ दिया, वो बेचारा आरोप लगा रहा है कि विधायक जी के बेटे ने हमारे हाथ पैर तोड़ दिए। हो सकता है विधायक जी के बेटे ने ना तोड़े हों, लेकिन किसी ने तो तोड़े होंगे, उसकी जांच होना चाहिए थी, उसकी एफआईआर जात का चौधरी समाज का है, दलित है, उसको न्याय नहीं मिला। रतलाम के अंदर जो हुआ गरीब दाम्पत्य पे, दलित दाम्पत्य पे, इस समय दलितों को तो जम के बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर तो धोखे से कांस कुसा का भी ब्राह्मण हो
क्या मचा, कुलदीप सेगर जी की गाड़ी नहीं पलटेगी, कुलदीप सेगर जी का एनकाउंटर नहीं होगा। लेकिन निर्दोष लोग भी मारे जा रहे, अपराधी तो मारे जाएं लेकिन निर्दोष लोग भी मारे जा रहे, क्या ठीक है। आइए मोदी जी आपका स्वागत है, अर्णव गोस्वामी जी आप तक हमारा वीडियो पहुंच जाएगा, हमारे मित्र इतना शेयर कर कर के टैग कर कर के आपको दे देंगे। अगर आप ओरिजिनल अपने पिता की किसी गोस्वामी परिवार की औलाद हो, मेरा इंटरव्यू ले लो, आपकी ललकार के लिए मैं तैयार हूँ। आपकी औकात नहीं, आप जैसे कुत्तों की औकात नहीं है कि आप सोनिया गांधी के पैर के नीचे धूल भी बन पाओ और वहाँ तक पहुँचो, या उद्धव ठाकरे जी जैसे महान लोगों तक पहुँचो, ये तुम्हारी औकात नहीं है अर्णव गोस्वामी। और वो बदतमीज जोकर कौन गोबर प्रवक्ता है किस पार्टी का मैं नहीं जानता, और पर्टिकुलर मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ, ना पार्टी का ना बाकी प्रवक्ताओं का, बड़ा सम्मान करते चूँकि भारतीय संस्कृति और मर्यादाओं का पालन करते हैं, लेकिन वो बार बार हर शब्द में जिस तरह से सोनिया जी राहुल जी को अभद्र भाषा का उपयोग करता है, वो DNA टेस्ट कराए, निश्चित उनकी माता जी 4-6-10 जगह गई आई होंगी, पतिवती बदली होंगी, सोनिया जी का सरनेम नहीं बदला। सोनिया गांधी राजीव गांधी की पत्नी थी, अपने विडो होने के बाद भी वो भारतीय संस्कृति, हिंदुस्तानी संस्कृति का पालन करके आज भी उनका सरनेम वही है, और पूरे हिंदुस्तान के हम जैसे लोगों को गर्व है सोनिया जी पे। सोनिया जी हमारी मातृशक्ति हैं, हमारे देश की वो मातृशक्ति हैं, और जिस प्रकार से हो सकता है गोबर भक्तों को तिलमिलाहट छूटेगी, चूँकि मैंने उस गोबर खतरा को बोल दिया है नाजायज पैदाइशी और DNA टेस्ट को, जिस प्रकार से गोबर भक्तों को या उस खतरा को कौन है अपनी माँ पे बोलने पे तिलमिलाहट और मिर्ची लगी होगी, पेट्रोल लगा होगा, उसी प्रकार से सोनिया गांधी जी भी किसी की माँ है, किसी की बहू है। और राजनीति का मतलब ये नहीं है कि कोई राजनीति में है उसके लिए हम कुछ भी बोले कुछ भी कहें, हमें शब्दों की मर्यादाओं को नहीं लागना चाहिए। और मेरी निजी संस्कृति भी ये नहीं है, मेरे को ऐसे संस्कार नहीं मिले, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ रहा, चूँकि किसी भी महिला का जब अपमान करते हो तो आपको भी सुनना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत। मीडिया को तो बहुत बहुत धन्यवाद, देश में इस समय एक ही समस्या है, वो कंगना रणावत, सुशांत राजपूत, और बेचारी वो निर्दोष रिया चक्रवर्ती जिसको कहीं नहीं फंसा पाए। अब ये नहीं पूछोगे कंगना रणावत का अरबों रुपए की कोठी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कहाँ से आया, अवैध निर्माण के लिए कोई बातचीत नहीं। खैर ठीक है, मैं मोदी जी का भक्त हूँ, मोदी जी का दीवाना हूँ, मुझे भी झूठ पाखंड फौरे सीखना है। बाहर देश के प्रधानमंत्री आपको नमन है, और निश्चित तौर पे जिन लोगों ने पहले चाय बेचा वो आज देश बेच रहे हैं। और ये भी बात सही है कि जाके पाँव न जाए, जाके पाँव फटे न बेवाई, ताका जाने दूसरे की पीर पर आई। तो जिसके अपनी औलाद नहीं है, जिसने अपने पिता को मुखाग्नि न दी हो, माँ का सेवा न किया हो, परिवार का साथ न दिया हो, बचपन से बाल काल से अध्यात्म के तरह जो है निकल गया हो, और फिर शिक्षा दीक्षा का भी ठीक है जो भी जैसा, लेकिन जिसका ओरिजिनल डिग्री होगी, जिसका ओरिजिनल देश प्रेम का DNA होगा, जो अपने परिवार से प्रेम करेगा वही देश से प्रेम करेगा, और वो गांधी परिवार में तो है। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद,
जय जवान जय किसान। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਅੰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।